तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त है प्रीतम। प्यारे दोस्तों, अगर आपका बीपीएल यानी पीला राशन कार्ड तो बन गया, लेकिन जब आप उसे लेकर डिपो पर गए यानी राशन डिपो पर गए तो वहां पर आपको राशन बिल्कुल भी नहीं मिला, क्योंकि वहां पर आपका राशन कार्ड का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। तो दोस्तों, अगर आप इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी आगे पीछे किए बिना पूरा देखना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और इस समस्या का आपको समाधान बता देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका राशन कार्ड कट गया था एक दो महीने पहले और जिसके कारण आपको न तो जनवरी महीने में राशन मिला और न ही फरवरी महीने में, लेकिन दोस्तों अब 10-15 दिन पहले जो आपका राशन कार्ड है वो बन गया, जब 13 फरवरी को नए राशन कार्ड जारी किए गए थे जो कट गए थे। और दोस्तों, जैसे ही जारी हुआ आपने राशन कार्ड निकल लिया, प्रिंट करवा लिया या आपने 10-15 दिन पहले निकलवाया है, अब दोस्तों वो राशन कार्ड जारी होने के बाद अब आपने उसे कभी भी प्रिंट करवाया हो, और दोस्तों प्रिंट करवाने के बाद आप सीधे गए राशन डिपो पर, और राशन डिपो पर जाने के बाद आपने अपना राशन कार्ड का नंबर चेक करवाया मशीन के अंदर, लेकिन वहां पर आपका कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला, या अब आप आज गए थे या एक दो दिन पहले गए थे फिर भी आपको कोई रिकॉर्ड वहां पर देखने को नहीं मिला, या फिर दोस्तों आपने खुद ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर जो रिकॉर्ड की है राशन वितरण की है हरियाणा की, जहां पर आप अपना राशन रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं ईपीओएस की साइट पर, वहां पर भी आपको कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। और दोस्तों, वहां पर आप अपना रिकॉर्ड चेक कैसे कर सकते हैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों, वहां पर भी रिकॉर्ड नहीं मिला और न ही राशन डिपो पर मिला, तो दोस्तों आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कारण आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, अगर आपका फरवरी महीने में राशन कार्ड बनता है तो जो राशन है आपको मार्च महीने में मिलेगा, लेकिन दोस्तों मार्च महीना शुरू हो गया है लेकिन फिर भी अभी तक मार्च महीने में भी फरवरी महीने का राशन बट रहा है, और ये जो राशन है 10 मार्च तक बटेगा। और दोस्तों, ये राशन जब तक बट रहा है आपका जो राशन कार्ड नंबर है न तो आपको साइट पर देखने को मिलेगा और न ही दोस्तों आपको मशीन में उसका रिकॉर्ड मिलेगा। तो दोस्तों 10 मार्च के बाद आप चेक करवाएं, आपका राशन रिकॉर्ड मशीन पर भी आपको मिल जाएगा और आपको पोर्टल पर भी मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों अभी जो फरवरी महीने का राशन है वो बट रहा है और जब तक फरवरी महीने का वितरण पूरा नहीं होगा आपका रिकॉर्ड वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपका जो महीना है वो जैसे ही खत्म होता है, यानी कोई भी महीना हो, अगर जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, उस महीने की जो आखिरी तारीख होती है उस दिन के बाद उस दिन तक जो रिकॉर्ड है वो मशीन के अंदर रहता है, लेकिन दोस्तों फिलहाल ये जो नए राशन कार्ड बने हैं या कटकर फिर से बने हैं इसके कारण ये जो राशन वितरण है उसमें समस्या हुई है, और राशन वितरण में समस्या होने के कारण राशन वितरण नहीं हो पाया, राशन नहीं बट पाया, और इसके लिए डिपार्टमेंट ने इसका समय बढ़ाया है और दोस्तों 10 मार्च कर दिया है, और इसके कारण ही अभी तक आपको मार्च महीने में भी आपके राशन कार्ड का रिकॉर्ड डिपो पर देखने को नहीं मिला है। इसलिए दोस्तों आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मार्च महीने का जब राशन वितरण शुरू होगा 10 मार्च के बाद, उसके बाद आपको आपका राशन कार्ड जो नंबर है जैसे आप वहां पर डलवाएंगे आपको राशन मिल जाएगा, और दोस्तों लगभग आपको पीछे के जो महीने का राशन आपको नहीं मिला है वो भी विभाग द्वारा दे दिया जाएगा। यानी दोस्तों आपको पता होगा जिसका पहले राशन कार्ड कट बन गया था जनवरी महीने में, उन्हें जनवरी महीने का राशन नहीं मिला था, उन्हें अब फरवरी महीने में वो जो राशन है पिछले महीने का मिल गया है, और दोस्तों लगभग हो सकता है अब आपको जनवरी फरवरी और मार्च का तो आपको मिलने ही वाला है, 3 महीने का इकट्ठा मिल जाए। तो दोस्तों आपको चिंता नहीं करनी है, 10 मार्च के बाद जब मार्च महीने का राशन वितरण शुरू होगा उस समय आपको आपका राशन मिल जाएगा, आपका राशन कार्ड बिल्कुल ओके है, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों मुझे आशा है आपको बात समझ में आ गई होगी, ये जो बात है मैंने एक दो वीडियो में पहले भी बताई है फिर भी आप उसे समझ नहीं पाए हैं, तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं, आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना, ताकि जो भी
भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हरियाणा, जय जवान जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।